हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, चोरी हो जाता है, या फिर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को घर पर भूल आते हैं और आपको कहीं पर भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है और आप अपने मोबाइल फ़ोन में ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ 2 मिनट में अपने मोबाइल फ़ोन में ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ही दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे परिवहन। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं parivahan.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिल जाता है, लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। यहाँ पर लाइसेंस से रिलेटेड आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्टेट नेम, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी स्टेट है उनकी लिस्ट आपके सामने निकल कर आ जाएगी। इनमें से जिस भी स्टेट का आप ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आपके सामने एक पॉपअप निकल कर आ जाएगा। इस पॉपअप को सबसे पहले क्रॉस के बटन पर क्लिक करके हटा देंगे। पॉपअप को हटाने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है लाइसेंस मेनू, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी मेनू देखने को मिल जाती है। यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है अदर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। अदर्स के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है सर्च रिलेटेड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है सर्च क्राइटेरिया, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एप्लीकेशन नंबर से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस नंबर है उससे आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास डीएल नंबर है और उसी नंबर से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास डीएल नंबर है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है डीएल नंबर। जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है उसको यहाँ पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर टाइप करने के बाद नीचे ऑप्शन मिल जाता है डेट ऑफ बर्थ। आप जिसका भी ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर रहे हैं उसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ को टाइप करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है। आपको जिस तरीके से कैप्चा कोड दिख रहा है उसी तरीके से आपको ऊपर कैप्चा कोड को टाइप कर लेना है। और अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो साइड में आपको रिफ्रेश का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपने कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैप्चा कोड को टाइप कर लेता हूँ। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी आपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर टाइप किया था उसकी जो भी डिटेल है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल, जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है उसका नाम देख सकते हैं। साइड में स्क्रॉल करेंगे। साइड में स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन डेट देख सकते हैं, उसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके नीचे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये नंबर एक हाईलाइटेड लिंक है। अगर आप अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देख सकते हैं, उसका नाम देख सकते हैं, जो भी उसका फोटो है वो देख सकते हैं, साइड में उसके सिग्नेचर देख सकते हैं, नीचे उसका एड्रेस देख सकते हैं, जो भी डेट ऑफ इशू है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर इशू आरटीओ देख सकते हैं। इसके नीचे आप क्लास ऑफ व्हीकल्स देख सकते हैं, यानी कि जो भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस क्लास का है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इस ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड करने के लिए ऊपर आपको 3 डॉट का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोर का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। मोर के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब इस ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए ऊपर आपको पीडीएफ का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप जिस भी फोल्डर में इस ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते हो उस फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।